हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं? आज है भाई संडे का दिन, और संडे का दिन भैया दुबई में कैसा होता है? बहुत से लोग ले ऐसा होता है कि भैया रात को सो जाते हैं खा पी के आराम से, और सुबह उठते हैं दिन के 3 बजे। और कई लोगों की लाइफ ऐसी होती है जो भैया संडे को बस पकड़ के निकल जाते हैं सीधा बुर्ज खलीफा। कई लोग भैया घर में बैठ के बात करते हैं जैसे कि वो भाई कर रहे हैं, और पवन और मैं आवारे की तरह घूम रहे हैं। आए भैया सोनू भाई सोहेल भाई के घर में इनकी नींद हराम करने के लिए। एक ही दिन मिलता है सोने का, बस वही ब्लॉक के लिए निकल जाता है। अगर क्या होता है ना, शनिवार को हम लोग सोते हैं, कम से कम 3-4 बजे सोते हैं, क्योंकि शनिवार को मतलब बाहर रहते हैं, घूमते फिरते हैं, रूम में आते सोते फिर 3-4 बजे। सॉरी ब्लॉक करते पता ही नहीं चला यार, पीछे गाड़ी आ गई। क्या ना, संडे वाले दिन लेट उठते हैं, लेट मतलब 12-1 बजे उठते हैं। मैं एक बात आपको लिख के दे देता हूँ भाई, दुबई में आपको कोई भी पक्का दोस्त होगा ना, अगर सच्ची दोस्ती देखनी ना तो भैया संडे को उठा देना। अरे संडे वाले नहीं मतलब हाँ ऑफ होना चाहिए, वैसे तो मोस्टली लोगों का संडे को ऑफ ही होता है, पर किसी के जो मॉल वगैरह में काम करते हैं उनका मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसा होता है, चुपचाप निकल लेते हैं अपना बैग लेके काम पे। हाँ, क्योंकि संडे वाले दिन ना मेट्रो की टाइमिंग भी चेंज होती है, सब कुछ चेंज होता है। जैसे कि आज संडे है ना, तो देखो भैया जगह बिल्कुल सुनसान है, तो लोग बात क्या है घर पे बात कर रहे हैं, अपना घर पे बात कर लिया, या फिर सोते ज़्यादा हैं यार। क्योंकि भैया मैं तो आ गया सुबह सुबह उठ के इनकी नींद हराम करने के लिए, बट मोस्टली जो मैंने देखा है ना भैया संडे को ना लोग आराम ही करते भैया, नींद पूरी करते हैं, क्योंकि भैया हफ्ते की 6 दिन की थकान मिटानी बहुत ज़रूरी है। अच्छा कोइंसिडेंस क्या होता है, और संडे को सबसे पहले आँख खुलती है, पता नहीं क्यों। हाँ सोहेल भाई, ऐसे ही है ना, छुट्टी वाले दिन ही सबसे पहले आँख खुलती है, ड्यूटी वाले दिन क्या होगा ना भाई, नींद आएगी आएगी ड्यूटी जाने से पहले, ऐसा लगता है कि यार अभी तो सोए थे यार। मतलब ऐसा होता है कि आंख बंद करी ऐसा लगता है कि 2 मिनट का आराम बच गया। और ये देखो भाई दुबई की जैसी भाई, तो नाश्ता कर लेते हैं ना, तो चलो भाई आज हम थोड़ा सा स्पेशल नाश्ता करने वाले हैं, पराठा और ये छोले दही फ्री का हलवा। सोनू भाई कितने का यहाँ पे अजमान में ये पराठा? 1 दिरहम का। और ये छोले? ये 1 दिरहम का। अच्छा 1 दिरहम का। हाँ, और ये भी दही तुम्हारी 1 दिरहम की, और ये एकदम बिल्कुल फ्री। भाई अजमान में नौकरी ढूंढ ले, फुल पैसा बचेगा तो भैया सैलरी कम मिलेगी फिर। हाँ सैलरी कम मिलती है। अच्छा जी, तो अभी यहाँ पे क्या दोस्तों ना, हमने पराठा मंगा लिए। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ना, कोशिश ये करते हैं कि भैया कम पैसों में हम मतलब अच्छा खा सकें, तो शायद 10 रुपए के अंदर अंदर में हम लोग सब ये नाश्ता करने वाले हैं। अरे सोनू भाई मैं दूँ क्या पैसे? दे दिए मैंने। कितने का हुआ? 10, 20, 30, 40 और ये 43 दिरहम बचे। 7 दिरहम का नाश्ता 4 आदमी का, 1, 2, 3 चौथा में। वाह बहुत सस्ता है भाई। अच्छा यहाँ पे बाल काटने का भी बहुत सस्ता है, 5-5 दिरहम में बाल कट जाता है। तो भैया ये भी एक दुबई का हिस्सा है, ठीक है ना। और आज मौसम ऐसा हो रहा है कहीं तो काले बादल हो रहे हैं, और कहीं फिर सफ़ेद हो रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा है मौसम का हाल फिलहाल क्या है। तो चलो भैया आराम से नाश्ता पानी तो हो गया भैया, देख रहे सस्ता। मैंने कहा ना चीज़ें आप ढूंढोगे चलोगे तो आपको फिर चीज़ें मिलेंगी। टाइम हो गया अभी दिन के खाने का, तो दिन का खाना बनाने लगे हैं। और तो स्पेशल आज बना रहे हैं मटन, वो भी विक्रांत भाई के लिए, ये बोलते कि हमारा दोस्त कोई काम नहीं आता, तो भाई तो आ यार हम है ना दोनों यार। अरे तुम्हारे थोड़ी बनाए थी वो, तुम बोलो तो सुवेल बोलना भाई, तुम बोलो आधी रात को तुम्हारी वैसे लोग खड़े हैं यार। नहीं मैंने ये बोला था ना वीडियो में कि भाई कई लोग अच्छे होते हैं, और मतलब 5 उंगली है ना ये देखो बराबर नहीं होती है कि नहीं। कई लोग आज मटन तैयार विक्रांत भाई के लिए स्पेशल, क्या बात है। और खास मैं अजमान क्यों आया था ना, सोनू भाई का मैसेज आ गया यार विक्रांत भाई तुम वहाँ रहे और मैसेज बोल रहे हो वीडियो। मैंने कहा बोला कह रहे यार तुम दोस्त, मैंने कहा यार वो सबके बारे में नहीं है, तो मैंने कहा संडे को मेरे घर पे तुम्हें आना ही पड़ेगा जैसे भी तुम्हें आओ, तो बोला भैया कमजोर हो रहे हो बस मोटापा फूल रहे हो, कुछ खाओ हड्डी वड्डी यहाँ पे तुम्हारी नरम हो रही है। पवन को भी बोला कि भैया मटन खिलाएंगे, तो हमने कहा चलो भाई मटन खाते हैं फिर आज। वो जो वीडियो थी ना मतलब कुछ लोगों के लिए थी, जो मतलब उन्होंने वीडियो देखी भी होगी और बोला होगा अबे साले मजे कर रहा है बिना पैसों के दुबई में मटन खा रहा है। चिढ़ाने में ना और ज्यादा मजा आता है, ठीक है ना। तो सोनू भाई मैं बनाऊँ कि तुम बनाओगे? आज तुम बनाओगे? हाँ, तो ये सोनू भाई का ओपन किचन है, भले भैया हम कम कमाते हो पर भैया दिल हमारा बहुत बड़ा है। अच्छा सोनू भाई वहाँ बताओ ये बर्तन वगैरह तुम लेके आए थे कि यहीं मिल गए थे? अरे नहीं यार ये तो यहीं मिल गया। अच्छा पर महंगा मिलता है ये, भिगोना लोग लाए थे 70 दिरहम का। 70 दिरहम का ना,
और ये देखो भैया यहाँ पे सब भाई लोग ऐसे खाना बनाते हैं, और तुम्हारे एक मजे है, तुम्हारी कंपनी भी खाना देती है और खुद भी बनाओ। हाँ अरे संडे थोड़ा स्पेशल अपना समझ रहे हो ना। सही है सही, ये फायदा है, मतलब लगेगा ना कम से कम आधा घंटा लगेगा, एक घंटा। हाँ बॉस भैया यहाँ की लाइफ ऐसी है, बाहर जो हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन के निकलते हैं ना, शो ऑफ मारते हैं, बुर्ज खलीफा के आगे फोटो लगाते हैं, तो ये है भैया रियलिटी। नहीं सुनो भाई दिरम कमा रहे भाई, दिरम कमा रहे। फाइनली अपना भैया मटन बन के तैयार हो गया है, और सोनू भाई की मेहनत, और ये भैया गर्मा गर्म रोटी, भैया शाम तक का खाना है, यानी कल तक का खाना है, ठीक है ना। हाँ पूरा पतीला है। हाँ सुहेल भाई दो लाइन हो जाए खाने के ऊपर। मर्दों का आपका खाने का टेस्ट अलग है मेरी जान। वाह दोस्तों ऐसे ही जाता है संडे मोस्टली, सुबह गए बाहर नाश्ता किया और थोड़ा सा स्पेशल, क्योंकि भैया शरीर टाइट रहेगा यहाँ पे तभी तो काम होगा। ऐसे है सुहेल भाई, वरना हड्डियों से आवाज आती है ना हमें कटक कटक, फिर हड्डियों को मसल बढ़ाने के लिए। हाँ और जो भाई मीट मछली खाते हैं उनके लिए सॉरी भाई, साग खाओ, साग खाओ या चिकन खाओ, दुबई में तो प्राइस भैया लगभग सेम ही है। और पवन भैया बहुत कमज़ोर हो गया, बहुत लोगों ने कमेंट किया, तो भैया इसको हम खिला रहे एकदम हेल्दी खाना, ठीक है भाई हेल्दी खाना खाओ और हेल्दी काम करो। देखो हाथ कितने पतले हो गए तेरे, दिखाइयो भाई। सुहेल भाई तुम्हारी जिम्मेवारी है, हाँ ऐसा बनाना है। तो खा पी के ना थोड़ी देर सो गया था यार, सोहेल भाई की बिस्तर में सो गया था, और इनका बिस्तर बड़ा मस्त है। सुनो भाई चले फिर तैयार हो गए, ये बिस्तर मत है मेरे पास, तुम खड़े हो जाओ, एक बार खड़े हो जाओ, ये लो भाई, ये वो रूम है जहाँ से हमारी वीडियो है ना भाई, मिलियन मिलियन मतलब 11 मिलियन 18 मिलियन 9 मिलियन निकली हमारी। भाई लोगों का प्यार भी है ना, प्यार भी है। पर ये कि ना मैं बताऊँ दुबई की जो रियल लाइफ है ना, वो शायद हर कोई दिखाने में हिम्मत रखता नहीं है, बट हमें ट्राई किया भाई जैसी लाइफ स्टाइल हम जी रहे हैं जो भी है सो ऑन। और ये देखो भाई पूरा बिजली का जुगाड़ कर रखा है, यहाँ पे पंखा है, दुबई में ना खाने से ज्यादा ना यहाँ पे दवाइयाँ होती है ना जी। पहले जो मतलब यूट्यूबर नहीं है वो तो अपना शौक बढ़ाता है, मतलब कि फोटो खींचेगा, हाँ सारी भरी हो जाएगा, हाँ दिखाएगा, तो रियल लाइफ में नहीं दिखाता। अरे यार सफाई तो नहीं, जैसे लोग यूट्यूब पे आए ना, जब लोगों को मालूम पड़ा कि हकीकत क्या है, दिखाने लगे तो हम लोग दिखा रहे हैं कि रियल लाइफ क्या है। भाई मैं सही बताऊं ना यूट्यूब पे हम क्यों आए, मेन चीज पहले चीज है मतलब मजे करने के लिए, दुबई घूमने के लिए, और दूसरा भैया पैसा तो आ रहा है, झूठ क्यों बोलना है कि नहीं। और पवन हाँ तो भैया यहाँ पे आके ना शांति मिल जाती है, ये कहानी है। चल भाई चलो चलो चल। तो ये देखो भैया खाना पीना सब यहाँ रखा है, तुम तो तैयार हो गए भैया। मैंने किचन में ये बात बोली थी ना, आदमी खाना बना, अभी कोई कौन बोलेगा, ये 10 लोगों के बीच में आदमी खाना बना रहा था, कह रहे तो जोक वगैरह चलता रहता है। जो भी दोस्त आपको मिले भैया पैसा निकालता हुआ एटीएम से छुप छुप के उससे भैया पैसा उधार मांगो। सुहेल भाई कितना निकाल रहे हैं, तुम निकाल के यहाँ तो लाओ, क्योंकि भैया सैलरी कब आती है, आदमी कब निकालता है, कब घर बेचता है, कुछ पता नहीं चलता भाई यहाँ पे, ठीक है ना। और वैसे भी आज तो यार 20 तारीख हो गई, सुहेल भाई से पूछेंगे कि भैया कब की सैलरी निकाल रहे हैं, ये कब की सैलरी निकाल रहे सुहेल भाई, कौन से महीने की सैलरी निकाल रहे हैं। सुहेल भाई की सैलरी हो गई थी होल्ड, वो आई 15 दिन के बाद। अच्छा आज उसको निकाला है, दुबई में कानून है, तुम थोड़ा गलती करोगे आपका सैलरी होल्ड और मिलेगा। और एक और बात बताओ, मतलब ना कोई गलती हो गई फाइन वाइन आ गया ना वो कट के भी आता है, वो बहुत टेंशन है भैया। मेरा कई बार क्या हुआ ना भैया, सैलरी वगैरह क्या बोलते हैं कट के आया क्यों फाइन की वजह से, और ये कुछ संडे का माहौल भैया, ये जगह हम आते हैं लक्की के आसपास का, और ये निकल गया क्या नोट, निकल गए वाह, 1000 का 500 500 500 200 200 100 2500 रुपए देख रहे भैया कपड़े पहने सिंपल से, पर आदमी भी ना कभी कपड़े में मत जाना। देखो जैसे राकेश भाई, राकेश भाई कितना पैसा छुपाए हो, मेरे पास तो यार अभी 25 17
देख रहे हैं। और तुम, अच्छा मजे की बात, ये भी बिहार से हैं और आप भी बिहार से हैं। आप कहाँ से? मैं बिहार सिवान जिला से। सिवान से? आप छपरा से है ना? कुछ सिखाओ इसको, नौकरी वोकरी कर ले, दो थप्पड़ लगाओ इसके। बोलेंगे नौकरी के लिए। तुम्हारे गांव वाला है भैया? सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा। नहीं भाई ये बात तो है भैया, क्योंकि हम इंडियंस है ना, हमको सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि भाई ये यूपी, ये बिहार, ये उत्तराखंड, ये हिमाचली, ये पंजाबी, ये कर्नाटका, ये केरला। नहीं भैया, सबसे पहली चीज हम इंडियन है। हाँ सहेल भाई, क्या हो गया, क्या हो गया भाई? एक बात है, सैलरी आने में पैसा मिल जाए ना तो सारी थकान उतर जाती है पूरे महीने की। थकान तो अभी निकलेगी जब आधे पैसे घर, आधा किराया, आधा खाना, फिर 100 का नोट लेके पूरे महीने घूमोगे। तो गाइस ये है भैया लाइफ, खुद ही बनाओ, खुद ही खाओ और फिर खुद ही सो जाओ, पर बर्तन धोके। हाँ सुहेल भाई, बिल्कुल यही बात है भाई। तो एक ये छोटा सा वीडियो था और काफ़ी भाई लोग बोलते हैं कि यार आप हमें डीमोटिवेट करते हैं ये सब चीज़ें दिखा के। तो यार मैं खुद से नहीं दिखाता हूँ भाई, ना फेक लाइफ दिखाता हूँ आपको, मैंने हर एक चीज़ दिखाई भैया जो भी पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो देखिए साफ सी बात है भैया, जो जैसा कमाएगा वो वैसा रहेगा, जिसको जितना बचाना है वो उस हिसाब से लाइफ जिएगा, है कि नहीं सोनू भाई? तो खैर दोस्तों, अभी हम लोग भी यहाँ से निकल रहे हैं थोड़ी देर में, बाहर ठंडी ठंडी हवा लग रही है। छोटा सा ब्लॉग था, अपने दोस्त के आए थे, बस अपनी लाइफ तो ऐसी चल रही है। और थैंक यू गाइस आप लोगों के कमेंट्स के लिए, और जो भी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हो रही है, जो भी चीज़ें मैं अपने ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे कि बिज़नेस की, उससे सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हो रही हैं, तो वो सब आपको हम अपडेट धीरे धीरे देते हुए जा रहे हैं। ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। एंड देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।